आपके साथ शिवानी यादव, आइए बढ़ते हैं आज की स्पीड न्यूज की ओर। राजधानी दिल्ली में हालात हुए सामान्य, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात, आम जनता से शांति की अपील। हिंसा की घटना में 42 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी, पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद को किया गिरफ्तार। इशरत पर खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप, हिंसा में हुई 42 लोगों की मौत। दिल्ली हिंसा को लेकर गोकुलपुरी के एसीपी का बयान, अनुज कुमार बताया पुलिस की गोली से बच्चे मरने की फैलाई अफवाह। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल भी थे मौजूद। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, 3000 के करीब पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। शुक्रवार को 47 लोगों की फिर हुई मौत, हजारों लोग संक्रमित बीमारी से ग्रसित। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हड़कंप, कोरोना वायरस से मचा कोहराम। कोरोना से अरबपति भी परेशान, 7 दिन में डूब गए 31 लाख करोड़ रुपए। दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार, टॉप 3 अरबपतियों के डूबे 30 अरब डॉलर। पाकिस्तान को सेंसरशिप का कानून पड़ा भारी, फेसबुक ट्विटर गूगल ने दी धमकी। नए रेगुलेशन के कारण अपनी सेवाएं जारी रखने से किया इनकार, AIC ने इमरान सरकार को लिखी चिट्ठी। रेगुलेशन में बदलाव की मांग। दिल्ली में हिंसा पर सियासत गर्म, शांति संदेश के नाम कपिल मिश्रा का जंतर मंतर पर जमावाड़ा। आप पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करने की मांग, सीएम केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। कपिल मिश्रा ने भी दिया था भड़काऊ भाषण। न्यूजीलैंड भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया की हालत पतली, पहले खेलते हुए टीम भारतीय पारी 242 रनों पर सिमटी। न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए बनाए 63 रन। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया था फैसला। भारतीय कप्तान विराट कोहली का फिर नहीं चला बल्ला, 3 रनों के स्कोर पर टीम सऊदी ने 10वीं बार बनाया शिकार। पहले मैच में भी कोहली का बल्ला रहा था शांत, टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे है टीम इंडिया। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की चौथी जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से किया पराजय। श्रीलंका ने 9 विकेट पर बनाए 113 रन, भारत ने 3 विकेट खोकर लहराया जीत का परचम। निर्भया के दोषी की नई चाल, पवन के वकील का नया पैंतरा, पहले केस लड़ने से किया इंकार। अब फांसी से 3 दिन पहले लगाई याचिका, 3 मार्च को फांसी की तारीख टालने के लिए फिर खेला गेम। दिल्ली की हिंसा पर बांग्लादेश में विरोध, पीएम मोदी के निमंत्रण को रद्द करने की मांग। पीएम मोदी को शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती में किया था आमंत्रित, बुलावे का कई इस्लामिक संगठनों ने किया विरोध।